भारत पाकिस्तान युद्ध 1947। स्वतंत्रता के बाद ये भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध था जो करीब 14 महीने तक चला था। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध की वजह कश्मीर बना था। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर की रियासत और उसके राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी से विलय स्वीकार नहीं किया था, लेकिन विभाजन के चंद महीनों बाद ही पाकिस्तान समर्थक कबायलियों ने विद्रोह कर दिया। अक्टूबर 1947 से शुरू हुए युद्ध का समापन 1 जनवरी 1949 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते से हुआ। भारत चीन युद्ध 1962। 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर चीन ने हमला किया था। भारत को कभी यह शक नहीं हुआ कि चीन हमला भी कर सकता है। इस वजह से भारतीय सेना ने सही से तैयारी नहीं की थी। खैर, एक महीने तक चले युद्ध में भारत को बड़ा सबक मिला जो बाद में भारत के काम आया। इस युद्ध से सबक लेते हुए भारत ने सेना के आधुनिकीकरण पर काम किया। बाकी नतीजा आज सबके सामने है। लेकिन जहां तक 1962 की हार की बात है तो यह एक तरह की राजनीतिक पराजय थी, न कि सैन्य हार। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में खोए भारत ने कभी सोचा भी ना था कि 1962 की लड़ाई चीन द्वारा विश्वासघात के रूप में भारत को प्राप्त होगी। 5 वर्ष बाद 1967 में भारत के जवान सैनिकों ने चीन को सबक सिखाया। 1967 को ऐसे साल के तौर पर याद किया जाता रहेगा जब हमारे सैनिकों ने चीनी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था बल्कि भारी संख्या में उनके बंकरों को ध्वस्त कर दिया था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, यह बहुत भीषण युद्ध था जिस पर ताशकंद समझौते के बाद विराम लगा। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, इसे बांग्लादेश युद्ध भी कहा जाता है। 1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो यह वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध का समापन हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध 1999, इसे करगिल युद्ध भी कहा जाता है। करगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई के बीच कश्मीर के करगिल जिले में हुआ था। कश्मीर के करगिल क्षेत्र में सामरिक महत्व की ऊंची चोटियां भारत के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। ठंड के मौसम में उन दुर्गम चोटियों पर रहना काफी कष्टदायक होता है। बर्फीले मौसम में भारतीय सेना वहां मौजूद नहीं थी। इसका लाभ उठाकर पाकिस्तानी सेना ने सीमा संबंधी नियमों का उल्लंघन किया और उन चोटियों पर कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना के सामने बड़ी चुनौती थी। दुश्मन काफी ऊंचाई पर था और भारतीय सेना उनके आसान निशाने पर थी, लेकिन भारतीय सेना के जज्बे और ताकत के आगे पाकिस्तानी फौज को हार मानना पड़ा। भारतीय सेना ने इस युद्ध की चुनौती को ऑपरेशन विजय का नाम दिया। युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सैकड़ों अफसरों और सैनिकों की कुर्बानी भी देनी पड़ी। भारतीय सैनिकों ने ठान लिया था कि वो करगिल से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ कर ही दम लेंगे। भारत के जवानों की वीरता के आगे पाकिस्तानी फौज टिक ना सकी। पाकिस्तान को सामरिक महत्व की चोटियां खाली करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर।